हेलो एवरीवन, आज है 10 अप्रैल 2022 और शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मेरा नाम है निरंकार, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेट और यूटी हैज टू इंक्लूड ई साइकिल्स इन इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। तो अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई साइकिल को शामिल करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी न्यू दिल्ली ने, याद रखिए हाल ही में बोला है कि ये जो है साइकिल्स को भी, इलेक्ट्रिक साइकिल्स को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में ऐड करेंगे दोस्तों, ठीक है। इससे इसके जरिए दोस्तों साइकिलिंग को जो है दिल्ली गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहती है। अगला क्वेश्चन है, एक्सपो प्लैनेट K2 2016 BLG 005 LB विच हैज बीन रिसेंटली फाउंड इज अ नियर आइडेंटिकल ट्विन ऑफ विच प्लैनेट। तो एक्सो प्लैनेट K2 2016 BLG 005 LB जो हाल ही में खोजा गया है, किस ग्रह का एक समान जुड़वा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जुपिटर का जुड़वा है और दोस्तों इस ग्रह का नाम रखा गया, ये इतना लंबा सा, ठीक है दोस्तों, याद रखिए हाल ही में इसको एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजा है और इसको जुपिटर का जुड़वा भाई बोला है दोस्तों, ठीक है, इसको नासा ने खोज करी है। अगला क्वेश्चन है, एज पर द रिसेंट स्टडी ऑफ CEW Which state had highest number of forest fire incidents in the last 2 decades? तो CEW के हालिया अध्ययन के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल में आग लगने की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मिजोरम में, याद रखिए सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स देखे गए हैं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों कि राज्य के एरिया के हिसाब से, ठीक है, मिजोरम जो है एक राज्य है और राज्य के एरिया के हिसाब से मिजोरम में जो है भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ राज्य के एरिया के हिसाब से। अगर मिजोरम इतना बड़ा है तो इतने से सिर्फ इतने से हिस्से में पॉपुलेशन रहती है, ज्यादातर हिस्सों में क्या है फॉरेस्ट है। लेकिन लेकिन मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन से राज्य में पाए जाएंगे, एरिया के हिसाब से बात करी जाए तो वो होगा मध्य प्रदेश। याद रखिए एमपी में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं क्योंकि एमपी इलाका बड़ा है और बहुत सारी पॉपुलेशन रहती भी है और इसके अलावा बहुत बड़ा एरिया एमपी के पास, इसीलिए सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एमपी में पाए जाते हैं। लेकिन मिजोरम जो है छोटा है लेकिन उसके हिसाब से जो है सबसे ज्यादा जो है फॉरेस्ट मिजोरम में पाए जाते हैं अपने एरिया के हिसाब से, समझे कि नहीं समझे, आई होप दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। देख सकते हैं मिजोरम दोस्तों हाल ही में जो स्टडी है किसने करी दोस्तों, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर ने दोस्तों, ये है CEW का फुल फॉर्म, समझ में आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेपो रेट आफ्टर द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग हेल्ड इन अप्रैल 2022। तो अप्रैल 2022 में हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन सी दोस्तों सॉरी 4% जो है हमारी रेपो रेट है। और याद रखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की जो चेयरपर्सन होते हैं वो RBI के गवर्नर होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को हेड कौन करता है, तो RBI। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे देंगे फाइनेंस मिनिस्टर, तो याद रखिए फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होती, RBI के गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो 4% जो है याद रखिए रेपो रेट रखी गई है, ठीक है। इसके अलावा जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है 4.25% रखी गई है और हमारे RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ। रेपो रेट क्या होता है दोस्तों? रेपो रेट का मतलब होता है वो रेट जिसके तहत RBI जो है लेंड करता है मनी किसको, बैंक्स को, फॉर शॉर्ट टर्म। याद रखिए शॉर्ट टर्म के लिए RBI जब मनी देता है बैंक्स को, कमर्शियल बैंक को, उसे कहते हैं रेपो रेट, समझे कि नहीं समझे। व्हेन द रेपो रेट इंक्रीज, याद रखिए जब रेपो रेट इंक्रीज होता है, अभी 4% है सपोज मान लो 5% हो गई, जब रेपो रेट इंक्रीज होता है तो बोरोइंग फ्रॉम RBI बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। भाई रेपो रेट जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो भाई जो बैंक्स हैं उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगा ना पैसा बोरो करना, ठीक है। दिस इन टर्न रेजेस द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी एंड देयरफॉर रिड्यूसेस द टोटल मनी सप्लाई। इसीलिए दोस्तों जब RBI रेपो रेट इंक्रीज करता है तो भाई मार्केट में भी जो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि क्यों दोस्तों, क्योंकि बैंकों को अब ऊंची दरों पर पैसा मिल रहा है तो भाई वो लोग भी तो मार्केट में जब पैसा देंगे उधार में तो वो भी तो भाई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर देंगे कि नहीं देंगे। तो भाई जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में भी बढ़ जाता है तो लोग जो है पैसा कम उठाते हैं, क्यों समझे कि नहीं समझे, लोग जो है पैसा कम उठाते हैं, ठीक है। इफ RBI wants to make it more expensive for the banks to borrow money, it increases the repo rate. और अगर RBI चाहती है कि भाई बैंक के पास पैसा ना जाए तो वो क्या करती है RBI, और जो रेपो रेट है उसको इंप्रूव कर देती है, इंक्रीज कर देती है, ठीक है।
सिमिलरली इट वॉन्ट्स टू मेक इट चीपर फॉर बैंक टू बोरो मनी, इट रिड्यूसेस, है ना, रिड्यूस भी कर देती है कभी कभार अगर वो चाहती है कि बैंकों के पास ज्यादा पैसा जाए। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है भाई? रिवर्स रेपो रेट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इट इज द शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट एट विच आरबीआई बोरोस, याद रखिए आरबीआई बोरो करता है मनी फ्रॉम द बैंक, समझे कि नहीं समझे? रेपो रेट में आरबीआई लैंड करता है मनी, मतलब उधार देता है, और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई लेता है बैंकों से, बोलता है भाई आ जाओ बैंक सारे, मैं तुम लोगों को ना मेरे को पैसा दो, मुझे पैसा दोगे तो मैं तुम्हें इतना इंटरेस्ट ब्याज दूंगा, समझे कि नहीं समझे? तो ब्याज देता है कौन? आरबीआई ब्याज देता है बैंकों को। अब बैंक जो है बाहर वालों को पैसा नहीं देंगे, बोलेंगे निकलो यहाँ से, तुम लोग हम लोग को इतना कम पैसा दे रहे हो। बैंक बोलेंगे चलो भाई आरबीआई हम आपके पास आते हैं, आप अच्छा खासा हमें इंटरेस्ट दे रहे हो, तो हम अपना पैसा जो है आपके पास डिपॉजिट कर रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? तो अगला है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या होता है दोस्तों? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दोस्तों एक स्पेशल विंडो होता है जो कि आरबीआई ने खोल रखा है, किसके लिए? कमर्शियल बैंक्स के लिए, कि भाई अगर आपके पास कोई क्या कहते हैं इमरजेंसी आ जाए, बैंकों के पास भाई कभी कभार पैसों की इमरजेंसी आ जाती है, इमरजेंसी के टाइम पे बोला कि आरबीआई ने कि भाई आप इमरजेंसी के टाइम पे बैंक लोग आप हमसे पैसा बोरो कर सकते हो, लेकिन ये जो पैसा बोरो करोगे रेपो रेट पे नहीं देंगे, हम देंगे तुमको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वाली रेट पे, और ये जो रेट होगी रेपो रेट से हमेशा ऊपर होगी। याद रखिए रेपो रेट के मुकाबले जो एमएसएफ होता है यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसका इंटरेस्ट रेट जो है थोड़ा सा ऊंचा रहता है, समझे कि नहीं समझे? अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज बीन सस्पेंडेड बाय फ्रॉम ह्यूमन राइट्स काउंसिल बाय यूएन असेंबली। तो संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा किस देश को मानव अधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है? इसका तो आपको पता ही होगा, रशिया को निलंबित कर दिया गया है ह्यूमन राइट्स काउंसिल से दोस्तों, ठीक है? याद रखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अप्रूव कर दिया रेजोल्यूशन जिसके तहत रशिया को ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर कर दिया गया दोस्तों, ठीक है? कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशंस बॉडी है, उस मिशन इज टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो दोस्तों इसका काम है प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स को। दोस्तों काउंसिल में दोस्तों टोटल 47 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं फॉर द स्टैगर्ड 3 ईयर टर्म्स ऑन द रीजनल ग्रुप बेसिस। याद रखिए टोटल ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 47 मेंबर होते हैं और इनका जो इलेक्शन होता है दोस्तों रीजनल ग्रुप के आधार पर होता है और कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए होता है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के हेडक्वार्टर्स आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिल जाएंगे। इसके प्रेसिडेंट अभी हैं फेडरिको बिलेजिस और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006 को। याद रखिए तो ज्यादा पुराना नहीं है ये ग्रुप यानी ऑर्गेनाइजेशन, तो याद रखिए 15 मार्च 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है विच रेगुलेटर एजेंसी हैज रिलीज्ड द गाइडलाइंस ऑन द सेटिंग अप ऑफ डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। तो किस नियामक एजेंसी ने डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना पर निर्देश जारी करे हैं? तो दोस्तों अगर यहाँ पे बैंक आ गया तो बैंक का भाई डिजिटल बैंकिंग यूनिट कौन देगा कि आदेश एस्टेब्लिश करो? आरबीआई देगा भाई, क्योंकि बैंक इसके अंतर्गत आते हैं सारे के सारे, बिल्कुल सही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस कराया दोस्तों, दिस इज अ पार्ट ऑफ अनाउंसमेंट मेड इन द यूनियन बजट 2022-23 टू सेटअप 75 DBUs। डीबीओ अभी मैंने समझाया ना, डीबीओ क्या है दोस्तों? डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, समझे कि नहीं समझे? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज रिलीज्ड द बुक हीरोज ऑफ 1971। तो निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने हीरोज ऑफ 1971 पुस्तक का विमोचन किया है? अगर दोस्तों हीरोज ऑफ 1971 है यानी डिफेंस से रिलेटेड है, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह है, तो इन्होंने ही ये बुक रिलीज करी है दोस्तों। याद रखिए राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर है और इन्होंने दोस्तों ये बुक लिखी है, और ये बुक जो है एडिट करी गई है किसके द्वारा? द ट्रिब्यून एडिटर इन चीफ राजेश रामचंद्रन द्वारा दोस्तों, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट्स हैव ग्रांटेड एडिशनल बोरोइंग परमिशन ऑफ रुपीज 28,204 करोड़ बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा कितने राज्यों ने 28,204 करोड़ की अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 8 राज्यों, याद रखिए दोस्तों ऑप्शन सी 10 राज्यों के लिए मंजूरी दी है, याद रखिए 10 राज्य, ठीक है? आप देख सकते हैं इट इज फॉर अंडरटेकिंग स्टिपुलेटेड रिफॉर्म्स इन द पावर सेक्टर इन 2021-22, ठीक है? तमिलनाडु वाज अलाउड टू बोरो द हाईएस्ट एडिशनल अमाउंट ऑफ 7,050 करोड़, याद रखिए सबसे ज्यादा जो है तमिलनाडु को बोरो करने के लिए पैसा मिला है, उसके बाद उत्तर प्रदेश को, समझे कि नहीं समझे? उत्तर प्रदेश को 6,823 करोड़ रुपए बोरो कर सकता है, आंध्र प्रदेश ने भी बोरो कराया कितना? 3,716 करोड़ रुपए, ठीक है? ये एडिशनल अमाउंट होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देती रहती है कि भाई आप बोरो कर लो हमसे। अगला क्वेश्चन है Who among the following has been honored with the Sant Namdeo National Award for the years
फॉर द ईयर्स 2021-22। तो दोस्तों यहाँ पे जो फॉर द ईयर्स, फॉर द ईयर दो बार आ गया, कोई बात नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021-20 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी सत्यपाल मलिक को भी अवार्ड दिया गया है और एस दुलात को भी अवार्ड दिया गया। दोस्तों आप देख सकते हैं मेघालय के गवर्नर हैं अभी सत्यपाल मलिक, ठीक है। और ये फॉर्मर रिसर्च और एनालिसिस विंग, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, रॉ कहते हैं, है ना, आपको पता है ना, रॉ के डायरेक्टर थे। दोस्तों मलिक एंड फॉर्मर रिसर्च एनालिसिस विंग, याद रखे जो रॉ के जो डायरेक्टर थे वो है ए एस दुलात, ठीक है। इन दोनों को संत नामदेव नेशनल अवार्ड दिया गया 2021 और 20 के लिए, ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। दे वर अवार्डेड बाय पुणे बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन शरद, याद रखिए ये एनजीओ है जिसका नाम है शरद, ये अवार्ड देती है, कौन सी, संत नामदेव अवार्ड। समझे कि नहीं समझे दोस्तों, ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेघालय के गवर्नर है सत्यपाल मलिक और रॉ के डायरेक्टर है, डायरेक्टर थे एक्चुअली ए एस दुलात, इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। हाल ही में दोस्तों मोहम्मद रिजा मौसमी, ये ईरान से हैं दोस्तों, इन्होंने 13वां एडिशन ऑफ ग्रीन स्टॉर्म ग्लोबल फोटोग्राफी का अवार्ड जीता। याद रखिए 13th एडिशन ऑफ ग्रीन स्टॉर्म ग्लोबल फोटोग्राफी का अवार्ड मोहम्मद रजा मौसमी, जो कि ईरान से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीता है। इसके अलावा नीति आयोग की वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म विल ऑर्गेनाइज द 5th एडिशन ऑफ वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स ऑन 21 मार्च 2022। तो ये ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये तो आपको पता है हमारी गंगा को साफ करने के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा चलाया जा रहा है, इसको दोस्तों अवार्ड करा गया स्पेशल ज्यूरी अवार्ड एट द 7th इंडिया इंडस्ट्री वाटर कंक्लेव एंड 99th एडिशन ऑफ फिक्की वाटर अवार्ड हेल्ड वर्चुअली फ्रॉम 2 to 3rd March 2022। इसके अलावा दोस्तों नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा वॉज रजिस्टर्ड एज सोसाइटी ऑन 12th August 2011 अंडर Societies Registration Act 1860। समझे कि नहीं समझे। इसके अलावा अगर बात करी जाए फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस इन त्रिपुरा, जो कि हैं डॉक्टर इल्ला लोध, विल बी पोस्टमोस्टली ऑनर्ड विद द नारी शक्ति पुरस्कार 2020 ऑन March 8, 2022। तो दोस्तों ये भी अवार्ड जो है ऑलरेडी दिया जा चुका है, याद रखिए नारी शक्ति पुरस्कार 2020 के लिए किसको मिला, डॉक्टर इल्ला लोध को। अगला क्वेश्चन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रोजेक्टेड India's inflation to be how much percent for the fiscal year 2023 from earlier guidelines of 4.5%। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2013 के लिए भारत की मुद्रास्फीति को 4.5% के पहले मार्गदर्शन से कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 5.7%। याद रखिए आरबीआई ने हाल ही में प्रोजेक्ट कराया कि इंडिया की इन्फ्लेशन जो है 5.7% रहेगी 2023 में, ठीक है, याद रखिए। अर्लियर इससे पहले बोला था कि 4.5% रहेगी, लेकिन अब बोला कि भाई नहीं 4.5% गलत है, 5.7% जो है हमारी इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर रहेगी 2023 में। समझे कि नहीं समझे। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में मिलेंगे। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुई थी, याद रखिए। अभी हेडक्वार्टर मुंबई में है लेकिन स्थापना कहाँ थी, कोलकाता में। इसके अलावा दोस्तों आरबीआई जो है बहुत ही दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी पब्लिश करता है, एक है एनुअल रिपोर्ट ऑफ बैंक एंड द रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट पब्लिश करता है आरबीआई, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, याद रखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी आरबीआई पब्लिश करता है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली गवर्नमेंट रन इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी for women has signed a pact with which of the following to promote bilateral research opportunities in the field of science and technology। to delhi sarkar dwara sanchalit indira gandhi delhi mahila takniki vishwavidyalay ne vigyan aur pradyogiki ke kshetra mein dvipakshiya anusandhan ke avsaron ko badhava dene ke liye nimnlikhit mein se kiske sath ek samjhote par hastakshar kare hain। iska right answer option b university malaysia paris ke sath inhone hastakshar kare hain। yaad rakhiye dosto university malaysia paris It will promote bilateral research opportunities in the field of science and technology। दोस्तों समझे कि नहीं समझे। Under the MOU, both universities have provision for student and faculty exchange। तो दोस्तों student का भी exchange होगा, faculty का भी exchange होगा, along with the bilateral research opportunities and joint international conference। अगला question है Army Ordnance Corps celebrated which anniversary of its raising day recently? तो सेना आयुध कोर ने हाल ही में
अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 247th वर्षगांठ मनाई है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स ने, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं 247th, और इसकी स्थापना याद रखिए 8 अप्रैल को हुई थी, और 8 अप्रैल 2022 को इन्होंने 247th जो है अपना रेजिंग डे मना गया है दोस्तों। द कॉर्प्स केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस ऑन 8th अप्रैल 1775, इसकी स्थापना हो गई थी दोस्तों। ठीक है, और इसका काम क्या है दोस्तों, इसका काम क्या है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प का, इसका काम है दोस्तों टू प्रोवाइड मटेरियल लॉजिस्टिक सपोर्ट टू द इंडियन आर्मी इफ रिक्वायर्ड टू द नेवी एयरफोर्स ड्यूरिंग द वॉर एंड पीस। समझे कि नहीं समझे, जो भी मटेरियल वगैरह है वो प्रोवाइड करना इनका काम है। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज रिलीज्ड इंडियाज कंट्रीब्यूशन ऑफ हाउ मच अमाउंट टू यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट इन 2022। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2022 में खेल में डोपिंग उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष में भारत का कितना योगदान जारी करा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 72,124 डॉलर, याद रखिए 72,124 डॉलर हम लोगों ने दिया है। किसको दोस्तों, किसको दिया है? यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग। आपको पता है ना डोपिंग क्या होता है दोस्तों? डोपिंग मतलब होता है जब खेलों में दोस्तों प्लेयर वगैरह जो होते हैं ऐसे ड्रग्स लेते हैं जिनके जरिए उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, पावर बढ़ती है। कई लोग जो है प्लेयर्स जो है ड्रग्स लेते हैं, ऐसे ऐसे ड्रग्स आते हैं जो कि आपकी एनर्जी को बढ़ा देते हैं, तो उसी को कहते हैं डोपिंग। तो इसी को खत्म करने के लिए भारत ने बोला कि हम लोग है 72,124 डॉलर दे रहे हैं यूनेस्को को दोस्तों। ठीक है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है दोस्तों, ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हमारे यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर और स्पोर्ट्स के कौन है ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ 10 मेंबर कमिटी टू एग्जामिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जांच के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल। आपको पता है भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई थी, जिसके तहत दोस्तों बहुत ही इम्प्रूवमेंट करे गए हैं, जिसके तहत दोस्तों आपको पता है जो क्या कहते हैं पीएचडी से पहले कौन सा कोर्स होता है वो खत्म कर दिया गया है ना, एक होता है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, एक्चुअली दिमाग में बट मुंह में नहीं आ रहा, तो पीएचडी से पहले एक होता है वो कोर्स खत्म कर दिया। इसके अलावा जो हमारा 12th तक का एजुकेशन है उसमें भी काफी रिफॉर्म करने के लिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो इसी की जांच करने के लिए बोला कि भाई देखो, वेस्ट बंगाल सरकार ने बोला कि भाई देखो मैं आपके लिए कमिटी बना रहा हूँ, देखो ये एजुकेशन पॉलिसी सही है या नहीं है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में दोस्तों टोटल लोकसभा की सीट यहाँ से 42 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा की सीट यहाँ से 16 है। स्टेट एनिमल फिशिंग कैट है यहाँ का। स्टेट बर्ड है व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, याद रखिए व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर। नेशनल पार्क पाए जाते हैं जैसे कि बक्सा टाइगर रिजर्व, याद रखिए बक्सा पे तो एक लड़ाई भी हुई थी, बक्सा का युद्ध दोस्तों। ठीक है, बक्सा टाइगर रिजर्व यहाँ पे पाया जाता है। गोरुमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोरुमारा है। जल्दपारा नेशनल पार्क है, न्यूरा वैली नेशनल पार्क है, सिंगलील नेशनल पार्क पाया जाता है, और सुंदरबन तो बहुत ज्यादा फेमस है दोस्तों, सुंदरबन नेशनल पार्क यहाँ पे पाया जाता है। और ममता बनर्जी, याद रखिए ममता बनर्जी जो है यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक विल प्रोवाइड अ लोन ऑफ ₹7,500 करोड़ फॉर द मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट टू विच स्टेट, यहाँ पे टू होना चाहिए। तो विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक किस राज्य के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए 7,500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, याद रखिए गुजरात में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए वर्ल्ड बैंक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है प्रोवाइड करेगा कितना, 7,500 करोड़ का लोन दोस्तों। ठीक है, द प्रोजेक्ट एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द स्टेट, अंडर दिस द स्टेट गवर्नमेंट विल स्पेंड 10,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 5 years एंड कवर ऑल 33 गवर्नमेंट एंड 5087 ग्रांट इन 8 स्कूल इन द स्टेट। तो दोस्तों गुजरात भी जो है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत काम कर रहा है। गुजरात का दोस्तों स्टेट एनिमल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबको पता भी होना चाहिए, पता है ही दोस्तों, एक्चुअली एशियाटिक लायन है। स्टेट बर्ड है ग्रेटर फ्लेमिंगो। कुछ नेशनल पार्क पाए जाते हैं जैसे कि वंसदा नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, याद रखिए वंसदा ब्लैक बक, गिर फॉरेस्ट रिजर्व ये तो सबको पता है, मैरिन नेशनल पार्क यहाँ पे पाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जैसे कि सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर पर, उकाइड डैम जो है ताप्ती रिवर पर है, दंतीवाड़ा डैम जो है बनास रिवर पर है, कदना डैम जो है माही रिवर पर है, कमलेश्वर डैम जो है हिरन रिवर पर है। कुछ रजिस्टर जीआई टैग भी हैं जैसे कि एगेट्स ऑफ कम्बे, खच एम्ब्रॉयडरी, पटना, पटोला। ठीक है दोस्तों, याद रखिए पटोला से आपको पंजाब से कन्फ्यूज मत कर लीजिएगा,
पटन पटोला जो है गुजरात में है, याद रखिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था काफी बार पटोला से लेकर दोस्तों, ठीक है। गुजरात के आप लोकेशन देख सकते हैं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अगला क्वेश्चन है, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड एन एमओयू फॉर द सेटिंग अप मेडिकल कॉलेजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत निम्नलिखित में से किस जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कौशाम्बी और झांसी। याद रखिए कौशाम्बी और झांसी में, सॉरी दोस्तों, सांबल और महाराजगंज दोस्तों इसका राइट आंसर है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन सांबलगंज और महाराजगंज ये जिले हैं, यहाँ पर याद रखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से, यानी पीपीपी है ना, पीपीपी ट्रिपल कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से मेडिकल कॉलेज जो है स्थापित करे जाएंगे, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। और 2024 तक इनको कंप्लीट करने का भी अनुमान लगाया है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। लोकसभा की सीट यहाँ से 80 है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए डिस्ट्रिक्ट 75 है, 5 ज्यादा कर लीजिए, है ना, लोकसभा की सीट 80 है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि लोकसभा की सीट यहाँ से ज्यादा है। राज्यसभा की सीट यहाँ से 31 है। स्टेट एनिमल है बारहसिंघा, आपने देखा भी होगा बारहसिंघा। और स्टेट बर्ड है सारस क्रेन। नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, यहाँ पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ द पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट ऑफ रुपीज 7,183.42 करोड़ वॉज रिलीज बाय द गवर्नमेंट टू डैश स्टेट्स। तो पोस्ट डेवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट अनुदान की पहली मासिक किस्त 7,183.42 करोड़ रुपए सरकार द्वारा डैश राज्यों को जारी करी गई है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 14 राज्यों को, याद रखिए 14 राज्यों को जारी करा गया है। और ये 14 राज्य कौन कौन से आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम दोस्तों, ठीक है। ग्रांट वो रिलीज एज पर रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन के दोस्तों हेड कौन है ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड एक्रेडिटेशन फ्रॉम द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज टू सर्टिफाई सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। तो निम्नलिखित में से किसे कुछ विद्युत उपकरणों को प्रमाणित करने के लिए प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है। इसका राइट आंसर है दोस्तों सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रखिए सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट को हाल ही में पावर मिली है किससे दोस्तों, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड से। किसके लिए दोस्तों, ये सर्टिफाई कर सकते हैं क्या सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, याद रखिए जो बिजली के इक्विपमेंट्स होते हैं उनको सर्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स हु ऑब्टेन टेस्ट सर्टिफिकेट्स फ्रॉम सीपीआरआई वुड बी एबल टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिटेस्टिंग ऑथेंटिकेशन बाय एनी अदर बॉडी आउटसाइड इंडिया, ठीक है। सीपीआरआई जो है पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।